इसकी आपकी बहुत फरमाइश आ रही है इवन दसी के लिए भी हमारे पास बहुत से पोल आ चुके हैं लेकिन आप तो उथैलो पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं सी पर भी आई मीन सेम से है हमारा आज हम उथैलो पर ही एक्ट टू के सीन वन की डिस्कस करने वाले हैं एंटर मोन्टेनियो एंड टू जेंटलमैन सो दो किरदार आए हैं Montanio के साथ का नाम दिया लेकिन दूसरे किरदारों का नाम नहीं दिया मेंटेनियो मेंटेनियो अब जो Montanio है ये पूछना चाह रहा था असल में उन लोगों से जो कि एक ना घात के पास खड़े हैं एक प्लेस है एक ओपन एरिया है घाट है वहां पर समुन्द्र सा, साहिल का किनारा सा है और लोग अंदर देखना चाह रहे हैं कि समुंद्र में आहिर चल क्या रहा है जहाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है. अब इसने आके उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वट फ्रॉम द दैर जिससे तुम देख रहे हो क्या नजर आया तुम्हें कुछ समुद्र के अंदर दिखाई दिया फर्स्ट जेंटलमैन नोथिंग एट कुछ भी दिखाई नहीं दिया है वो चूंकि वो देख रहा था उसने जवाब दिया कुछ दिखाई नहीं दे रहा इट इज अट फ्लड रॉड फ्लड बता रहा है कि तूफानी लहरें बहुत ज्यादा है आई कैंट मैं नहीं कर सकता ट्विक्स बिटवीन देख नहीं सकता दरम्यान में दूस Describe a soil. A soil के सेल का मतलब वही होता है कि समंदर में जो खुले समंदर में कोई सेल आ रही है कोई समंदर कोई बहरी आ रहा है कोई बहरी बेरा आ रहा है कहता मैं उसमें आसमानों और जमीनों में फर्क ही नहीं पा रहा क्योंकि ये इतनी बड़ी लहरें जा रही हैं कि देखना मुनासिब तरीके से देखना मुमकिन नहीं है ने कहा हाँ, हाँ, देख ही रहा हूँ कि बहुत ज्यादा शदीद किस्म की हवाएं चल रही है इवन हम लोग लैंड पे हैं अब फोलर ब्लास्ट ये फलर ब्लास्ट तूफान है नियर शूक अवर बैटलमेंट और इतना शिदीद तूफान तो हमारे किलों को भी हिला सकता है यानी किलो तक भी अगर ये लहरें आती हैं है, तो वो भी लरस so sea, और ऐसी यहाँ पर समुंदर में शिद्दत से आई है वि oh क्या बनेगा उन ढांचों का रिप्स होते हैं वही पसलियां वगैरह अपनी तरफ से समुन्द्री जहाजों को कहना चाह रहा है कि वो शाह बतूत के बने हुए जहाजों का क्या बनेगा वेन माउंटेन मेल्ट दम ऑन जब उन्हें ऐसी जो है पहाड़ जैसी लहरें आए और उनसे टकराएं कैन होल्ड द मोर्टाइज व्हाट शेल वी हियर ऑफ दिस क्या वो कर सकते हैं मोर्टाइज इस जो होल्ड करेंगे रुक रहेंगे मोर्टाइज ये जहाज ऐसे जहाज क्या उसे बर्दाश्त कर पाएंगे व्हाट शेल वी हियर ऑफ दिस हम इससे क्या खबर मिलेगी हमें क्या इससे खबर मिल सकती है यही के जाहिर खतरा ज्यादा है

उ अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल थे उन्होंने भी इन गजबनाक बादलों की वजह से वो बिखर गए हैं बादलों की वजह से यानी बादल धुंध आ गई और वो जहाज बिखर गए हैं द विंड शेक्स सर्ज विद हाई एंड मॉन्स्टेरियस मॉन्स्टेरियस मेन मेन को भी जाके कहेंगे तो वही गजबनाक लहरें हैं जिन उन्होंने लहरों को मुखली मुखली नाम से दिया है और उसने क्या किया है उसने शेक कर दिया उसने खिला के रख दिया है उन बहरी जहाजों को जो उस वक्त समंदर में जो थी सीम्स ऐसा लग रहा है टू कास्ट वाटर जैसे पानी फेंका जा रहा है ऑन द बर्निंग बेयर ऐसे लग रहा है जैसे उन जलते हुए रीचों पर पानी फेंका जा रहा है वो जलते हुए जो जानवर हैं उन पर पानी आ रहा है क्योंकि वो अंदर اصلا اصلا की कर रहे थे ना बारूद और बर, गणबाड़ी कर रहे थे उनके ऊपर जब पानी आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जलते हुए जानवरों के ऊपर कुदरत ने पानी डाल दिया है और वो ठंडे पड़ गए एंड द गार्ड अब वो उनको क्या कर रहे? वहाँ पर पानी पड़ पर रहा था और उसने आके रखवाली कर दी ऑफ द एवर फिक्स्ड पोल इस हमारे पूल के हमारे सतून की जो फिक्स हुआ पड़ा था और वो मजबूत रहा वैसे का वैसा ही क्योंकि कुदरत ने उनसे इंतकाम ले लिया जो आ रहे थे इन पर हमला करने के लिए और वो खुद ही पानी की लहरों का शिकार हो गए आई नेवर डिड लाइक मोल व्यू अब कहता है कि मैंने ऐसा व्यू नहीं देखा ऐसा खतरनाक मंजर मैंने नहीं देखा ऑन द इनचेफ्ट फ्लड इनचेफ्ट फ्लड जो इस किस्म के तूफानी समंदर में आया है मंटेनियो इफ्तार द तुर्किश कुछ क्या तुम यकीन है वो तुर्कश के ही, थे बेरे थे, उनके ही वो बहरी जहाज थे in sheltered and in they drowned. क्या तुम कहते हो उन्होंने कोई पनागा नहीं ढूंढी कोई शेल्टर उन्हें नहीं मिली क्योंकि वो कोई पनाग ढूंढते तो बच जाते ना और ड्राउंड होगी क्या वो गर्क हो गए इट इज इम्पॉसिबल टू पियर इट आउट कहता हम लगता तो ऐसा ही हालात जैसे हैं बच नहीं सकते थे वो एंटर अ थर्ड जेंटलमैन अब एक और बंदा खबर देके आ गया है थर्ड जेंटलमैन ने कहा न्यूज़ न्यूजलैंड वॉर्स लरको खबर आ गई है और आर हमारी जंगें खत्म हो गई क्यों क्योंकि पहले ने खबर देखी बेरे जो डूब गए हैं तो उसने कहा भी जंगी खत्म हो गई द डेस्परेट टेम्पस्ट उसको जकड़ लिया अनोबल शिप ऑफ और वो क्या थे वो विनेस के जहाज थे जिन्होंने ये नजारा देख लिया है, सीन देखा है अग्रीवियस रैक उन्होंने बहुत ज्यादा देखा कि वो उनका जहाज टूटा एंड सफरेंस और उनकी मुसीबत भी दे देखी और मुसीबत भी देखी है और मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फ्लीट और बहुत से उन्होंने से भी देखे हैं इज़ इट इज दिस ट्रू पहले ने भी आके यही खबर दी है दूसरे ने भी आके यही खबर दी है क्या ये ये सच कैसे हो सकता है तुम्हें अब पता कैसे चला अबिन I mean, वो कह रहा है कि तुम मुझे खबर दे रही हो तुम्हें पता कैसे चला थर्ड ने कहा दिस शिप इज हियर पुट ऑन अभी ही एक जहाज जो है ना उसने लंगर डाला है अवीनर अवेरोनियस माइकल कैसियो करेक्टर का नाम आ गया माइकल कैसियो इसको याद रखें कि इंपॉर्टेंट करेक्टर है अब उसने कहा जनाब हमारा बहुत बहादुर जंगजू जो है माइकल कैसियो वो वापस लौट आया है क्योंकि वो गया हुआ था अंदर वो खबर यही लेके आया

कुछ हुक्म आए तो दूसरा बेरा भी वापस आ जाएगा tanya, glad मुझे खुशी हुई hmm, मुस्तक शख्स है जो गवर्नर होने के लायक है थर्ड जेंटल अब उसने हमें बताया कि भाई तसली लग रही है सुकून मिल रहा है कंफर्ट टचिंग कंफर्ट अगर हम देखते हैं तो उसको उसको जिसे कहते है, खुशी है किसकी वजह से द तरक वो उन्होंने

इवन टिल वी मेक द मेन हाँ अगर छा हम लोगों ने काफी अपने मकासद ले लिए हैं हमारे मेन मकासद जो थे वो पूरे हो चुके हैं एंड द एरियल ब्लू एंड डिस रिगार्ड अब पर बताना यही चाह रहा है कि हमारे मकासद तो काफी हमने पूरे कर लिए हैं और ये जो नीला आसमान है और जो जमीन है इसके थ्रू हम खुद भी जाते हैं और अपनी आंखें दोहराते हैं और ढूंढते हैं जहाजों को थर्ड जेंटरमैन लेट चलो आई डू सो ऐसा ही करते हैं फॉर एवरी मिनट इज एक्सपेंडे एक्सपेक्डेंसी

खुद well का है क्या उसका शिप अच्छी का है क्योंकि इसने बात की थी ना कि हमारे तो की लकड़ी के बने हुए शिप है वो तो वैसे ही टूट फूट जाएंगे उसका शिप कैसी टिम्बर्ड उसकी जो बार्स है उसका

के वो बच के जाएगा वॉइस क्राई वॉइस क्राई आवाजें आने लग जाती हैं विद उन इसी दौरान आवाजें आती हैं असेल 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 एक समुद्री जहाज समुद्री जहाज समुद्री जहाज आ गया अब इसको हम नेक्स्ट टेक में दे, देखते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल चैनल सी द नेक्स्ट वीक आई विल ऑन द स्क्रीन नाउ अल्लाह हाफिज़